नमस्कार सोहन फ्रेश और कमाल के वीडियो के साथ आपसे यह स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गिनल फास्ट पोस्ट में। 200 मोबाइल फुल चार्ज होने में 2.5 से 3 घंटे लगभग लग जाते हैं और मैं आप सभी को इस वीडियो में ऐसे 2 सेटिंग बताऊंगा जिन 2 सेटिंग को मोबाइल में करने के बाद आपका मोबाइल 30 से 45 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। और जब आपका मोबाइल एक बार फुल चार्ज हो जाएगा फिर आप लंबे टाइम के लिए मोबाइल को यूज़ कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, मैं आप सभी को इस वीडियो में 2 अल्टीमेट सेटिंग बताऊंगा और वो 2 अल्टीमेट सेटिंग मोबाइल में करने के बाद आपका मोबाइल 30 से 45 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा और आप मोबाइल को लंबे टाइम के लिए यूज़ कर पाओगे। सो क्या है वो अल्टीमेट 2 सेटिंग जानने के लिए जरूर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आए और आप मोबाइल में वो अल्टीमेट सेटिंग करके मोबाइल में फास्ट चार्जिंग फीचर को एनेबल कर सको, मोबाइल को लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सको। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को हम फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने भी देखा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन को दबा के जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में देखिए एक छोटा सा घंटी आइकॉन है, घंटी आइकॉन को दबा के इसे ऑल पे सेट कर दीजिए। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए फास्ट चार्जिंग। दोस्तों यहाँ पर ये छोटा सा कमेंट लिख कर इसे ज़रूर से सेंड कर देना। दोस्तों कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल 30 से 45 मिनट के अंदर फुल चार्ज करने के लिए मैं आप सभी को अल्टीमेट 2 सेटिंग बताऊंगा। पहला सेटिंग फोन में सेटिंग ओपन कीजिए, सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहां पर यह सर्च करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, यहां पर क्लिक कीजिए और यहां पर बैटरी लिखकर सर्च कीजिए। दोस्तों बहुत सारे मोबाइल में बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं और मैनुअली सेटिंग को ढूंढ पाना आसान नहीं होता है। सो मैं आपको हमेशा कहता हूँ जो भी सेटिंग आपको मोबाइल में ढूंढना होता है यहाँ पर लिखकर सर्च कीजिए। सो यहाँ पर बैटरी लिखकर आपको सर्च करना और यहाँ पर देखिए बैटरी ऑप्शन आ चुका है, फिर ये बैटरी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पावर मोड, पावर मोड सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मैक्सिमम पावर सेविंग, मैक्सिमम पावर सेविंग सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई, और इसे अप्लाई कर दीजिए। इसे अप्लाई करने के बाद आपके मोबाइल में ये सेटिंग ऑन हो जाएगा और आपको कुछ सेकंड्स यहाँ पर वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सेटिंग ऑन हो रहा है और आपके मोबाइल में बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे, सीपीयू स्पीड, उसके अलावा आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में जो भी अननेसेसरी एप्लीकेशन रन कर रहे होंगे उन एप्लीकेशन यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। सो बस यहाँ पर आपको कुछ सेकंड्स वेट करना है जब तक ये सेटिंग मोबाइल में ऑन ना हो जाए। सो यहाँ पर देखिए ये सेटिंग मोबाइल में ऑन हो चुका है और ये सेटिंग ऑन होने के बाद आपके मोबाइल का इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मोबाइल में ये सेटिंग ऑन करना है, ये सेटिंग मोबाइल में ऑन होने के बाद मोबाइल को चार्ज में लगाइए और आपका मोबाइल 30 से 45 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। जैसे ही आपका मोबाइल फुल चार्ज हो जाएगा यहाँ पर ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है टर्न ऑफ और यहाँ पर ये सेटिंग ऑफ कर दीजिए। सो हमेशा याद रखिए जब भी आप मोबाइल को चार्ज में लगाओगे उससे पहले आपको मोबाइल में ये सेटिंग ऑन करना है। ये सेटिंग ऑन करने से आपका मोबाइल 30 से 45 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। सो जैसे कि यहाँ पर ये सेटिंग ऑफ हो रहा है सो बस आपको यहाँ पर कुछ सेकेंड्स वेट करना है और ये सेटिंग यहाँ पर देखिए ऑफ हो चुका है और ये सेटिंग ऑफ होने के बाद आपका फोन का स्क्रीन यहाँ पर नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो ये था हमारा पहला सेटिंग। अभी बात करते हैं सेकंड सेटिंग और ये अल्टीमेट सेटिंग है और इसके लिए आपको फोन में एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और आपको ये सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा और ये एप्लीकेशन से आप फास्ट चार्जिंग फोन में कर सकते हो, लंबे टाइम के लिए फोन को यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसे स्लाइड करना है और ऊपर देखिए एक ऑप्शन है सेटिंग आइकॉन, ये सेटिंग आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट फीचर, ये ऑफ होगा, इसे ऑन कर दीजिए। इसे ऑन करने के बाद यहाँ पर फोन यहाँ से बैक कीजिए और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, अभी मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए मैं फ़ोन को यहाँ पर चार्जर से कनेक्ट करूँगा। मोबाइल को यहाँ पर चार्जर से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है स्टार्ट नाउ, बस यहाँ पर स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पर आप स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर नीचे देखिए फास्ट चार्जिंग मोड यहाँ पर देखिए ऑन हो चुका है और यहाँ पर आपका मोबाइल बहुत फास्ट चार्ज होगा और लंबे टाइम के लिए मोबाइल को यूज़ भी कर पाओगे यहाँ पर, जैसे कि फास्ट चार्जिंग मोड ऑन हो चुका है। सो ये 2 अल्टीमेट सेटिंग मोबाइल में करके आप फोन को 30 से 45 मिनट के अंदर फुल चार्ज करके लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया वीडियो के नीचे लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके वीडियो को आपकी तरफ फैला दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।